31 दिन के मासूम को निरंतर NICU वेंटिलेटर में रखकर उपचार कर उसे SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों की टीम ने नया जीवन प्रदान किया है। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी का बच्चे को स्वस्थ करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के प्रबंधन और डॉक्टर्स की टीम ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके बेमेतरा निवासी आत्माराम कुर्रे के 38 दिन के मासूम को डॉक्टरों ने नया जीवन दिया है। बीते 24 जनवरी की देर रात मासूम को अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। यहां उसकी स्थिति को देखते हुए परीक्षण उपरांत NICU वेंटिलेटर पर रखकर तत्काल उपचार आरंभ किया गया। लगातार वेंटिलेटर और ऑक्सीजन में बच्चे को रखकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी और उनकी टीम द्वारा बच्चे को स्वस्थ किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे के पिता आत्माराम कुर्रे ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम आत्मा है। मैं अपने बच्चे को बहुत गंभीर स्थिति में लाया था। हॉस्पिटल वालों ने मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज किया है। आज उसको घर लेके जा रहा हूँ। पैसे वैसे भी नहीं थे मेरे पास इलाज के लिए। हॉस्पिटल वालों ने अपने तरफ से किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ हॉस्पिटल वालों ने अच्छे ढंग से इलाज किया है। SR हॉस्पिटल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। NICU के जूनियर डॉक्टर दिलेश्वर और अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी ने बच्चे की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। मैं डॉक्टर दिलेश्वर NICU का जूनियर डॉक्टर हूँ। हमारे पास जब बच्चा आया तो उस समय बहुत क्रिटिकल था। सीवियर बर्थ स्टेज था बच्चे का। बहुत कंडीशन बहुत ख़राब था। तो हमारे यहाँ डॉक्टर का पूरा टीम मिल के बच्चे का डॉक्टर SP केशरवानी डॉक्टर चेयरमैन के द्वारा बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया गया। आज के डेट में बच्चा अच्छे से निकल के जा रहा है। यह हमारा उपलब्धि है। मैं प्रसन्न हूँ। मैं डॉक्टर SP केशरवानी शिशु रोग विशेषज्ञ SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। दिनांक 24 जनवरी को देर रात्रि में मंजू कुर्रे पति आत्मा कुर्रे निवासी कोका बोर्ड बेमेतरा के 1.5 दिन ये 36 घंटे के बच्चे को अत्यंत क्रिटिकल एवं गंभीर अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। जान जाने की स्थिति में था बच्चा। तो हमने उसका उस परीक्षण कर बच्चे को हमने NICU में एडमिट किया और तत्काल ही उसको वेंटिलेटर में के सपोर्ट में रखे जाने का निर्णय लिया और तत्काल हमने उसको वेंटिलेटर में रखा। बच्चा जो है वो का जन्म जिला अस्पताल दुर्ग में हुआ था और बच्चे के साथ 2-3-4 गंभीर बीमारी थी। बच्चा एक तो पैदा होने के बाद 5-10 मिनट तक रोया ही नहीं। उसकी सांस भी प्रारंभ नहीं हो पाया। इस कारण उसके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्षति हुई थी और बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो गई थी, जिसको कि हाइपोक्सिक इस्चिमिक इंसेफलोपैथी कहते हैं। इस कारण बच्चा जो है वो अचेतावस्था में था और लगातार उसको झटके आ रहे थे। साथ ही साथ बच्चे की श्वसन गति और दिल की धड़कन जो है बहुत तेज गति से चल रही थी। पसलियाँ ऊपर नीचे हो रही थी। ये सब बीमारी थी तो उसको तुरंत ही मतलब वेंटिलेटर में रखा जाना उचित था। तो हमने वेंटिलेटर में रख के हमारी टीम जो है वो उसका इलाज जो है वो प्रारंभ किया। बच्चे को इसके साथ साथ सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन भी लग गया था। क्योंकि 36 घंटे बाद हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, 36 घंटे बाहर रहने के कारण बच्चे को नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो गई थी। तो इस केस को चैलेंज के रूप में हमने अपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और लगातार 23 दिन तक बच्चे को हमने वेंटिलेटर में रखा। तो इस दौरान बच्चे की स्थिति जो है बहुत बार अब तक वाली स्थिति हुई। बच्चे की जान अब गई तब गई, पर हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया और हमारी टीम जो है लगातार वो उसका उपचार करती रही। 23 दिनों बाद धीरे धीरे हमने उसका वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर की और बच्चे का जो इंट्यूबेशन ट्यूब है उसको हमने निकाला। बच्चे को फिर 4-5 दिन तक CPAP में रखे। फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर उससे बाहर निकाल के बाहर ऑक्सीजन सपोर्ट में रखे। आज बच्चा 38 दिनों बाद डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चा एकदम स्वस्थ है। माँ का दूध पीने लगा है। बच्चे का वजन भी बढ़ गया है। लगभग 3 किलो से ज़्यादा हो गया बच्चे का वजन और बच्चा एकदम एक्टिव और स्वस्थ है। तो ये बच्चे की मतलब पूरी स्टोरी है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। हमारे अस्पताल में NICU PICU विभाग की सेवाएं उपलब्ध हैं। एक बच्चा
जो रेफर होकर बेबी ऑफ मंजू अस्पताल में आया था, जिसकी जान बचाई गई। वह बच्चा छुट्टी हो रही आज उसकी, और 36 दिनों तक NICU में भर्ती रहा, जिसमें वह 21 दिनों तक वेंटिलेटर में रहा। बच्चे के माँ बाप परिजन हताश हो चुके थे, उन्हें ऐसा लगा कि वो निराश हो गए हैं, आगे इलाज नहीं कराना चाहते। उनके मन में ऐसा भाव आ गया था, किंतु अस्पताल प्रबंधन ने, डॉक्टर SP केसरवानी साहब जो इंचार्ज हैं, उनकी टीम ने, मेरे द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, हिम्मत दी गई कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, आर्थिक रूप से भी आप बिल्कुल मत घबराइए। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है मानव सेवा करना और लोगों की जान बचाना। उसी परिप्रेक्ष्य में बेबी ऑफ मंजू के लिए पूरी टीम ने मिलकर प्रयास किया। आज बच्चा स्वस्थ है, हमने उन्हें मानसिक आर्थिक प्रत्येक प्रकार की जो भी मदद है करने का पूरा प्रयास किया, और मरीज के परिजन बहुत ही खुश हैं। आज उसकी छुट्टी हो रही है। ग्रैंड चैनल का, ACM चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा समय समय पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। बहरहाल मासूम के परिजनों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान कर अस्पताल प्रबंधन ने मानव सेवा ही माधव सेवा के अपने मूल मंत्र को चरितार्थ किया है, जिसके लिए अस्पताल के चेयरमैन, प्रबंधन और डॉक्टर्स बधाई के पात्र हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।